विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर आज भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की कोर कमेटी की बैठक हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हुई और इस बैठक में आने वाले विधानसभा के चुनाव की रणनीति पर हमने चर्चा की है, उसका रोड मैप हमने तैयार किया है और पूरी तैयारी के साथ फिर एक बार महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और हमारे मित्र पक्षों की सरकार लाने की दृष्टि से हम लोगों ने सारा का सारा रोड मैप आज तैयार कर लिया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको ये संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे ताकत के साथ मैदान में उतरे और जो सीटें हम लड़ रहे हैं उन सीटों पर तो हम मेहनत करें ही, लेकिन साथ साथ हमारे साथी चाहे वो शिवसेना हो या हमारे बाकी साथी हो, उनको भी चुनकर लाने के लिए अपनी पूरी टीम को हम कार्यान्वित करें। इस प्रकार का संदेश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है। मेरा विश्वास है कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र ने लोकसभा के चुनाव में एक प्रचंड विजय हमारी भारतीय जनता पार्टी शिवसेना अलायंस ने प्राप्त किया है, ऐसा ही प्रचंड विजय फिर एक बार हम महाराष्ट्र के असेंबली में विधानसभा में भी प्राप्त करेंगे। आज भारतीय जनता पक्षाच्या महाराष्ट्राच्या कोर कमिटीची बैठक आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित भाई शहा साहेब यांच्या सोबत झाली। या बैठकीमध्ये विधानसभेच्या निवडणुकीवर विस्तृत चर्चा आम्ही केली, विधानसभेच्या निवडणुकीची रणनीती ही आम्ही या ठिकाणी तयार केली, त्याचा रोडमॅप आम्ही तयार केला आणि येत्या काळात मजबूतीनं या निवडणुकीकरता संपूर्ण संघटन तयार करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला। आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित भाई शहा यांनी आम्हाला संदेश दिलाय की महाराष्ट्रामध्ये अलायन्समध्ये ज्या जागा भाजप लढताय त्या ठिकाणी तर मेहनत करायचीच आहे, पण जिथे मित्रपक्ष लढताय तिथे मित्रपक्षांना निवडून आणण्याकरता देखील भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना मेहनत करायची आहे आणि त्या दृष्टीने संपूर्ण या ठिकाणी रणनीती तयार करण्याकरता आम्हाला सांगण्यात आलंय। मला विश्वास आहे की महाराष्ट्राच्या जनतेनं ज्या प्रकारे भारतीय जनता पक्षावर, आमच्या महायुतीवर आणि माननीय मोदी साहेबांवर लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये विश्वास दाखवला, तशाच प्रकारे मोदी साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये पुन्हा एकदा महाराष्ट्रामध्ये भारतीय जनता पार्टी शिवसेना महायुतीचं सरकार जनता निवडून देईल आणि त्याची तयारी आजपासून आम्ही सुरू केली।